मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में जो है हमने आपको NTPC और ग्रुप डी के 2018 का क्वेश्चन जो भी था, मतलब आसान क्वेश्चन था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग जो है कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि NTPC और ग्रुप डी के रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के सामने है, आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के एक तिहाई अंक मिले, यदि उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले। तो इसमें मान लेते हैं अंक गणित में उसको जो है x अंक मिला है और अंग्रेजी में जो है अंक गणित का एक तिहाई अंक मिल रहा है। तो अंक गणित में अंक है x और इसका जो है एक तिहाई, तो 1/3 से मल्टीप्लाई ये हो जाता है x/3। फिर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उन दोनों विषय में जो अंक मिला है उसका योग है 128, तो x+x/3 = 128। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आएगा 4x/3 = 128, ये 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 96 उसको जो है मैथ में मिला है। ठीक, और क्वेश्चन में भी वही बोला है कि अंक गणित में उसको कितना अंक मिला, तो कितना मिला, 96 मिला। आइए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। यानी कि 24 घंटा में जो है वो अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। ठीक, यानी कि 24 घंटा में वो अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है, यानी कि एक दिन में वो अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में 30 दिन में जो है उसकी संख्या हो जाती है कितना, 84 लाख हो जाती है, 84 लाख। तो 29वां दिन कितना होगा, 29वां दिन जो है कितना होगा, तो इसका आधा होगा क्योंकि ये यहां पे बोल रहा है एक दिन में जो है अपनी संख्या 2 गुना कर लेता है, एक दिन में अपनी संख्या जो है 2 गुना कर लेता है। अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो इसका आधा कर लेगा, तो इसका आधा हो जाएगा 84 का आधा, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 2, इनकी 42 लाख हो जाता है। ठीक, फिर 28वां दिन में जो है उसकी संख्या कितना हो जाएगा, तो 42 का आधा हो जाएगा यानी कि 21 लाख। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है 21 लाख जो है उसका संख्या कब हो जाएगा, यानी कि 28वां दिन में उसका संख्या जो है 21 लाख हो जाएगा। ठीक, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, आइए इस पर क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को अनुमान लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के आते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर आइए अपना लोग आते हैं थ्री में, क्या बोल रहा है थ्री में क्वेश्चन है, 301 और 501 के बीच, 301 और 501 को लेकर कि ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग ज्ञात करें। एक संख्या है 301 है और 301 से लेकर 501 के बीच जो है ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो पहला संख्या अगर इसको 7 से काटते हैं तो ये 7 चौके 8 है 27। हाँ, तो पहला संख्या जो है 301 होता है, ठीक। और अंतिम संख्या अगर हम निकालते हैं, अंतिम संख्या इसको अगर 7 से दीजिएगा भागा, आप लोग जानते हैं 501 में कम, इससे कम लेना है इसको लेकर, लेकिन इससे कम ही लेना है, तो इसमें पहले 7 से भागा दीजिए, तो 749 शेषफल 1 और ये, तो 7 एकम 7, हासिल कितना बच रहा है 4। इसको इनकी पूरा पूरी कटने के लिए 4 जो है इसमें घटाना पड़ेगा, यानी कि 501 में 4 को घटाइए तो ये हो जाता है कितना 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 यहाँ पे 4, यानी कि अंतिम संख्या जो है जो कि 7 से कट जाए वो कितना है, यानी कि 497 है अंतिम संख्या। आप इसे काट सकते हैं 7 49 7 एकम 7, ठीक। कहने का मतलब हुआ हमको जो है अंतिम संख्या और पहली संख्या जो है मालूम हो गया, ठीक। आप लोग जो है मैट्रिक क्लास में समांतर श्रेणी पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आप लोग इनकी पढ़े होंगे। इसमें जो है पहला संख्या a बराबर है 301 है, ठीक, और अंतिम संख्या an बराबर है 497। तो इससे जो है d का मान कितना आएगा, d का मान इनकी 7 आएगा, इनकी पहला संख्या होगा 301, फिर इनकी बाद का संख्या होगा 308, इसमें अगर आप इनकी 7 इनकी जोड़ते हैं तो दूसरा संख्या जो कितना होगा 308 होगा, इसलिए डी बराबर इनकी सार अंतर बराबर 7 हो जाएगा, ठीक। और इससे जो है हम लोग जो है एन का मान निकाल सकते हैं, एन का मान तो फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे इसका मान यहाँ पे इनकी पुट कर दीजिए, 497 अंतिम संख्या, ए का मान है 301 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7, ठीक। इसको अब जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपना लोग, इसको इनकी मल्टी मतलब इनकी माइनस हो जाएगा, 497 माइनस 301 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक। अगर इसको इनकी घटाते हैं तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से यहाँ तो बच गया 9, ठीक, और यहाँ बच गया 1, 196 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7, इसको फिर 7 से कट सकता है शायद, ये 7 × 14 14 7 56 इनकी 56, ओके। तो इसलिए एन बराबर कितना निकल के आ गया, एन बराबर 29 आ गया हमको निकल करके, एन का मान जो है निकल गया। फिर बोल रहा है इसमें यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है 301 और 501 के बीच ऐसी कौन सी संख्या जो 7 से मतलब इनकी विभाज्य है और उनका योगफल बोल रहा है, इसलिए Sn बराबर, Sn बराबर फॉर्मूला हो क्या होता है a प्लस मतलब इनकी सॉरी फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है फॉर्मूला, आप लोग शायद इनकी जानते होंगे। n का मान हमको निकल के आया 29 29/2, ठीक। ए का मान तो दिया हुआ है 301 प्लस ए एन का मान तो हम इनकी आया था 497, एन का मान 497, ठीक। अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो इसको जो है छोड़ के आगे इनकी निकल जाना है, इससे जो आपकी इनकी समय बच जाएगा। तो 7 1 8 होता है 9
और ये 4 3 7, इसको फिर काटिएगा तो 3 2 6 9 2 18, 9 2 18, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 29 × 399, 29 × 399 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 99 81, हासिल 8, ठीक, 99 81 8, 89 हासिल 8, 29 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35, ये हो गया 35, 9 2 18 8 हासिल 1, 9 2 18 1 19 9 हासिल 1, 3 2 6 1 7, ये 8 8 16 17 7 हासिल 1, 9 5 14 1 15 हासिल 1, 7 3 10 11, यानी कि इसका आंसर होगा 11571। क्वेश्चन नंबर चौथा में कहा गया है, आप लोग के सामने क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मैं थोड़ा इसे आगे कर लेता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 × 24 अधिक है, अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। क्वेश्चन में कहा गया है भैंस है और बत्तख है, और क्या है, बत्तख है, ठीक। भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 × 24 अधिक क्या है, पैर है। फिर जो है इसमें कहा गया है इसमें सिरों की संख्या के 2 × 24 अधिक है, तो इसमें मान लेते हैं सिर बराबर मान लेते हैं जेड, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। मतलब इनकी भैंस का सिर और बत्तख का सिर का योग ही ना यह जेड आएगा, इनकी एक्स प्लस वाई बराबर जेड, इसको इक्वेशन जो है फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। फिर आगे बोल रहा है, भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 × सिरों की संख्या के 2 × सिरों को मान ले हैं जेड, इनकी 2 जेड बराबर 2 × 24 अधिक है, कितना अधिक है, 2 × 24 अधिक है, क्या चीज, इसके सिरों की संख्या और पैरों की संख्या। तो अगर इनकी भैंस को 4 पैर होता है इसलिए 4x प्लस बत्तख को 2 पैर होता है इसलिए होगा 2y, ठीक। इससे जो इक्वेशन आ गया 2 नंबर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, ठीक। अब जो है इसको इनकी सही फॉर्म में लिखिए, ये आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस 24, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2z, ठीक। अब इसको घटा देते हैं, ओके, तो 2y कैंसिल, 2z कैंसिल, यानी कि यहाँ पे इनकी 4x में से 2x घट रहा है तो यहाँ बच रहा है इनकी 2x बराबर 24। इसी जो है x का मान कितना निकल गया, यानी कि 12 आ गया x का मान निकल गया, ठीक। x हम लोग किसको माने थे, x जो है माने थे भैंस को, तो x का मान आ गया निकल के 12। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है भैंसों की संख्या क्या है, तो कितना है आ गया इसमें इनकी 12, इसका आंसर होगा आप लोग के यह जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जो है जंगल में देखा गया, ठीक। फिर बोल रहा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर देखा गया है,
शेष 15 ऊंट जो है नदी के किनारे देखे गए हैं। तो बताए कुल कितने ऊंटों की संख्या थी। ठीक, मान लेते हैं इसमें क्या, इसमें हम लोग इनकी मान लेते हैं ऊंटों की संख्या, मान लेते हैं एक्स। ऊंटों की संख्या अगर इसमें एक्स मानते हैं, या फिर इसको आप जो है ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा गया है ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है 60, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन सी में है 36, और ऑप्शन डी में है आप लोगों के सामने, ऑप्शन डी में है 72। इसमें बोल रहा है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ठीक, झुंड के वर्गमूल का दुगुना। अब आप लोग इसमें से खोजिए, इसमें से जो है किसका वर्गमूल आ रहा है निकल करके। तो 60 का तो आएगा नहीं, क्योंकि यह जो अगर 60 का अगर इनकी वर्गमूल करते हैं तो वह जो है पॉइंट में आ जाएगा, और कभी भी हम लोग जानते हैं ऊंटों की संख्या जो है पॉइंट में नहीं होती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। और फिर अगर इनकी दूसरा ऑप्शन बी में आते हैं तो इसका भी जो है यह भी इनकी पॉइंट में आ जाएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन सी में आते हैं, इनकी इसका इसमें इनकी 36 दिया हुआ, तो इसका वर्गमूल निकल करके आ रहा है ना। 36 का वर्गमूल कितना होता है, इसका होता है इनकी 6 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन के सामने होगा, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। ठीक, यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद उसकी मतलब लंबाई कितनी होगी। इनकी पहला वर्ष इनकी 1/8 ऊंचाई जो है वह हर एक वर्ष इनकी बढ़ रहा है, तो पहला वर्ष कितना बड़ा होगा। 8 1 9, 8 + 1/8, इनकी 9/8 इनकी बढ़ रहा है पहला वर्ष। फिर अगला वर्ष भी जो है 9/8 ही बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है 1/8 जो है हर एक साल इनकी बढ़ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 64 × इसमें जो है पहला 9/8 हो गया 1 साल के लिए, फिर इसमें जो है 1 साल और के लिए निकालेंगे तो 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों किया मल्टीप्लाई, तो आप लोगों के क्वेश्चन में कहा गया है तो 2 वर्ष पश्चात उसकी इनकी ऊंचाई कितनी होगी, इसलिए हम लोग जो है 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब इसको अगर काटते हैं 8 8 64, तो यह कट गया, तो 9 81 सेंटीमीटर जो है उसकी ऊंचाई होगा। कब, 2 साल बाद जो है इसकी ऊंचाई 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, आइए इस पर और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उल्टा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे जो है भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। इसमें जो है इसमें कह रहा है एक साथ खेल खेलता है, और कभी कभी जो है क्वेश्चन आता है एक मतलब इनकी हाथ मिला रहे हैं। इसमें कह रहा है एक दूसरे के साथ खेल रहा है, एक दूसरे के साथ जो है खेल रहा है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन क्या आएगा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है, हाथ मिला रहा है मिलाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रॉक एक इनकी फॉर्मूला होता है, उस पे ही जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें फॉर्मूला होता है n·n−1/2, इसमें जो है n·n+1/2 नहीं होगा, क्योंकि यह जो है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला है, इसलिए जो है यह नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक,
यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब इसमें एन का मान देखिए कितना है, इसमें एन का मान जो है कितने बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसमें एन की बच्चों की संख्या है 5 × 4/2, इसको काटते हैं तो यह आता है 10। अब ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी में है। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों को मालूम हो रहा होगा कि क्वेश्चन जो है कैसे या कैसे आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में जो है एक कार प्रवेश करती है और प्रत्येक 7 सेकंड में जो है एक कार निकलती है। यानी कि कोई यह इनकी पार्किंग का स्थान है, ठीक, इसमें जो है प्रत्येक 3 सेकंड में जो है गाड़ी आती है और प्रत्येक 7 सेकंड में जो है गाड़ी निकल जाती है। तो एक समय ऐसा होगा कि यह इनकी पार्किंग जो है इनकी फुल हो जाएगा, यह पार्किंग जो है फुल हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं आप लोग एक बार फिर से इनकी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें बोल रहा है प्रति 3 सेकंड में जो है कार यहाँ पे आके लगती है, फिर जो है फिर बोल रहा है प्रति 7 सेकंड में जो है कार इस पार्किंग से बाहर निकल जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि यह जो है इनकी पार्किंग जो है इनकी फुल हो जाएगा, ठीक। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन जो है काफी आते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ab बटे a माइनस b, ठीक। a का मान यहाँ पे रख दीजिए 3 सेकेंड और b का मान यहाँ पे 7 सेकेंड रख दीजिए। इसमें से जो इनकी बड़ा होगा उसमें से इसको जो है घटा दीजिएगा, 3 × 7/a को मान लीजिए 7 − 3, तो यह हो जाता है 7 × 21/4, ठीक है दोस्तों। तो इसको अगर इनकी पूर्णांक में तोड़िएगा तो इनकी 4 × 5 = 20, 1/4, यानी कि 5 × 1/4 सेकेंड जो है इसका आंसर होगा, ठीक। यानी कि इतना जो है इसके भरने की दर आ गया, ठीक। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि इसके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। अच्छा, मान लेते हैं अगर आप अपने घर में इनकी 4 पेड़ अगर इनकी लगाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसका अंतराल कितना होगा। एक अंतराल हो गया ये, एक अंतराल हो गया 2 और एक अंतराल हो गया 3। इससे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम लोग इनकी 4 पेड़ यहाँ पे लगाते हैं तो इसका अंतराल जो है एक घट के आता है। उसी प्रकार क्वेश्चन कर रहा है, इसमें जो है 26 पेड़ लगाए गए हैं तो इसका अंतराल कितना होगा, एक घट के आएगा, यानी कि 25 होगा इसका अंतराल होगा, ठीक। और इसमें कह रहा है इसके बीच की इनकी बाड़े की लंबाई है 225 मीटर है। अगर इसमें अगर इनकी इतना में इनकी 25 से भागा कर देते हैं तो दो पेड़ के बीच की दूरी हमको इनकी मम्मा इनकी मालूम चले जाएगी, ठीक। तो इसको काटते हैं 25 × 8 = 225, यानी कि 25 × 250, यानी कि 9 मीटर जो है बाड़े की लंबाई आ गया इतना, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, एक विशिष्ट लदान में, एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए थे और 2/5 कारों में एसी लगे हुए थे। यदि 20 कारों में रेडियो 20 कारों में ना रेडियो है और ना ही एसी लगे हुए हो, तो इन पारेषण में कितनी कारों में रेडियो और एसी दोनों लगे हुए हैं। ठीक, पहले निकालते हैं रेडियो कितने कारों में लगा हुआ है। तो इसमें 120 इंटू 2/3 करेंगे तो इसको काटते हैं, 4 × 3 = 12, यानी कि 80 हो गया। 80 कारों में क्या लगा हुआ है, रेडियो लगा हुआ है। फिर क्या, एयर कंडीशनर मतलब एसी जो है कितने कारों में लगा हुआ है, यानी कि 120 इंटू कितना है, 2/5। तो इसको काट दीजिएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 24 × 2 = 48। इसको अगर इनकी ऐड कीजिएगा अब, तो ये आता है 8 × 8 = 12, 128 आ रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है 20 कारों में ना एसी है, ना एसी है और ना ही रेडियो है। तो फिर इसमें इनकी 20 ऐड कर दीजिएगा, तो यह हो जाएगा 8 × 2 = 4 = 1, इनकी 148 होगा। ठीक, और इसमें कार है कितना, कार है 120 है। यहाँ पे जो है 148 कैसे हो गया, इसमें जो हम उतना इनकी कार को इसमें ऐड कर लिए हैं जहां पे एसी और कार जो है दोनों लगा हुआ था, इसलिए जो है 120 इसमें हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 2, यानी कि 28 कार ऐसा होगा जहां पे एसी और रेडियो दोनों लगा हुआ है। ठीक, 28 कार ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। ठीक, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है। आसान क्वेश्चन है, 3/10 भाग क्या है, लड़के हैं, क्या है, लड़के हैं, तो लड़की कितना हो जाएगा, 1 − 3/10, तो ये आ जाएगा, यानी 7/10 क्या है, लड़की है। ठीक, और इसमें कुल है कितना विद्यार्थी, कुल है विद्यार्थी 200 × 7/10, 0 से 0 कैंसिल, 7 × 2 = 14, 140 उसमें जो है लड़की है। ठीक, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। किसी आदमी के पास कुछ मुर्गी है और कुछ जो है गाय हैं। ठीक, कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या जो है 140 है, यानी कि गाय और मुर्गी के पैर को मिला करके पैरों की संख्या होता है 140 है। फिर बोल रहा है इसके मस्तक की संख्या, मस्तक मने होता है सिर, इसकी संख्या जो है 48 है। तो फिर बोल रहा है इसमें मुर्गियों की संख्या क्या होगी, इसमें फॉर्मूला होता है दो पैर वालों की संख्या
इसमें फॉर्मूला होता है लेग लेग माइनस फोर हेड बटे टू। तो लेग इसमें है कितना, लेग है 140, 4 इंटू हेड कितना है, हेड है 48 बटे 2। ठीक, यह हो गया 140 माइनस 8 चौके 32 के 3 हासिल, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 3 19, 119 बटे 2। इसको अगर घटाते हैं 2, 9 में से 4 गया 5 बटे 2। इसमें यानी कि माइनस हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें जो है किसी की भी संख्या जो है कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है माइनस नहीं लेते हैं। तो इसको अगर काटिएगा 21 आएगा, 21 जो है किसका निकल गया, 21 जो है मुर्गी के, क्योंकि यानी कि मुर्गी को होता है 2 पैर होता है, इसलिए 21 जो है मुर्गी निकल के आ गया। अगर इसमें से कह देता कि गायों की संख्या क्या है, तो गाय के लिए फॉर्मूला होता है गाय की संख्या, यानी कि इसमें जो है 4 पैर वालों की संख्या का फॉर्मूला होता है, 4 पैर वालों की संख्या का फॉर्मूला होता है कितना, लेग माइनस 2 हेड, यानी कि उल्टा करेंगे बटे 2। लेग है कितना, लेग है 140 माइनस 2 इंटू हेड है 48 बटे 2। ठीक, फिर अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यह जो है 140 माइनस 8 दुना 16 के 6 हासिल 1, 4 दुना 8 1 9 बटे 2, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया है 3 में से 9 गया तो 7, 3 में से 9 गया 7 होगा, नहीं 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 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे इनकी 4 होगा बटे 2, इनकी 22 जो आ गया है, यहाँ पे गाय की संख्या कितना आ गया है 22 और मुर्गी की संख्या जो हम लोग को 21 आ गया। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है इसमें मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो 21 जो है मुर्गी की संख्या होगी। आप लोगों के लिए यह फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग हो सके तो आप अपने किसी कॉपी में जो है इस फॉर्मूला को उतार लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आ गया होगा, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने से, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, यात्रा की शुरुआती में लड़कों की संख्या क्या थी। ठीक, इसमें मान लेंगे क्या, मान लेंगे लड़का की संख्या मान लेंगे x, इसलिए लड़की की संख्या क्या हो जाएगी दोगुनी हो रहा है ना। इसमें फिर से एक बार पढ़िए, एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, और सॉरी लड़की को अगर हम लोग x मानते हैं तो लड़का जो है दोगुना इसमें कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक, इतना हो जाती है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, 2x-15 ठीक बराबर, फिर क्या बोल रहा है उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में आ जाती है, तो x प्लस 10 हो गया। इसको आप इनकी सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन जो है इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका जो है सॉल्यूशन इतना कम में बन रहा है, x का मान कितना आएगा निकल के, यह यानी कि 25, x का मान आ गया यानी कि 25, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लड़का लड़की की संख्या हो गया यानी कि 25, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 50,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इस पर जो है एक दो वीडियो और लाऊंगा। ओके दोस्तों, तो आज का क्लास जो है यहीं तक। हो सके तो हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए, और साथ में बेल आइकन को भी यानी कि प्रेस कर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक।